पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। How dare you? फिर इतनी हिम्मत, मेरे सामने तुमने मेरी मॉम को हर्ट करने की कोशिश की। Come on, go on. तुम यहां कैसे? जेल से कैसे बाहर आए? ओह, समझ गया। इस लड़की ने निकाला ना, यही होती है हर चीज के पीछे। बनाती है, बनाती है। प्रियांश नहीं, stop it. प्रियांश, आपको सच जानना है ना? तो चलिए मैं बताती हूँ सच। उस दिन जब आप मिसेस खुराना से बात कर रहे थे, जब आप अपने काले चिट्ठे खोल रहे थे, जब आप लोगों को लगा था कि मैं बेहोश हूँ, तो मैं होश में ही थी और मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी। वरुण को मेरे लिए एक और आखिरी काम करना होगा। क्या? उस दिन आपके जाने के बाद मिसेस खुराना भी चली गई, लेकिन वो चाकू वहीं छोड़ गई जो शायद उन्होंने आप पे चलाने के लिए निकाला था। तो होश में तो मैं पहले से ही थी और उस चाकू की मदद से मैं वहां से बाहर निकल गई। मेरे बाहर आने की न्यूज़ तो आपको मिली गई थी और आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं बाहर निकल के सबसे पहले अपने घर जाऊंगी, पर मैंने ये नहीं किया। आपको पता है मैंने क्या किया? हेलो, आराधना बोल रही हूँ। आप दोनों की बातें सुनने के बाद मेरे लिए सब कुछ एकदम क्लियर था कि रेयांश को क्यों ऐसा लगा था कि जय इस ड्रग केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि उसकी मॉम मिसेस कुराना वो इन्वॉल्व थी। और कैसे आपने रेयांश को इस सब में फंसाया? और फिर क्या? फिर मैं समझ गई कि मुझे किससे कांटेक्ट करना है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है। कौन, किससे हेल्प ली तुमने? ओह, वो खुराना के बेटे से। जैसे हेल्प ली होगी, वैसे ये समझना मुश्किल नहीं है, सबको ही पता है। या तो तुम रेयांश के साथ होती हो या फिर जय के साथ, और किसके पास जाओगी, है ना? मेरे पास आई थी। हाँ वीरेन, आराधना मेरे पास आई थी हेल्प मांगने, और रेयांश को जेल से बाहर निकालने में आराधना की हेल्प मैंने की है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मेरे साथ आने को तैयार थी, तुम तो आज इनफैक्ट लॉयर से भी बात कर रही थी। तो झूठ सिर्फ तुम बोल सकते हो, ड्रामा सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा हम झूठ नहीं बोल सकते तुम्हारा सच बाहर निकालने के लिए? और तुम्हारा सच मुझे उसी दिन पता चला था। आराधना के साथ मेरा वो इक्वेशन कभी नहीं बना, कभी गहरा रिश्ता नहीं बना, लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी थी, लाखों में एक थी। वो जितना मेरे बेटे को जानती थी ना, और कोई नहीं जानता था। हाँ आंटी, आराधना बहुत अच्छी लड़की थी। हमने क्यों उसे खो दिया? हम उसे बचा सकते थे, कुछ तो कर सकते थे, बट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कितने बेरहम लोग थे वो। राधी को मार दिया और उसकी उसकी बॉडी तक नहीं थी हमें, ना ही उसे आखिरी बार हम देख पाए और ना ही उसका अंतिम संस्कार हो पाया। नहीं पूजे, ये जो कुछ हुआ ना बिल्कुल सही नहीं था। मेरी दी के साथ बहुत गलत हुआ। वो किडनैपर पर वो सब कुछ अपनी तरीके से नहीं कर सकता। हमें कुछ तो करना होगा, कोई तो रास्ता निकालना होगा उसे ढूंढने के लिए। एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए जिसने आराधना के साथ ये सब किया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो इंस्पेक्टर भी केस पे ध्यान नहीं दे रहा, उसे तो बस रेयांश को ब्लेम करने में ही मजा आ रहा है, ये नहीं कि कोई सबूत या सुराग ढूंढे। आंटी पूजा, उस दिन जब ऑफिस में अटैक हुआ था, उस दिन से हमारे पास
कोई भी प्रूफ नहीं है ना? मेरे पास है। ये है वो प्रूफ। मैंने पुलिस को नहीं बताया इसके बारे में। ये उस दिन वो फाइट के टाइम मेरे पास रह गई थी। ये उस किडनैपर का है। एक रिंग से हम क्या पता कर लेंगे विक्रम? हाँ विक्रम, एक रिंग से हम क्रिमिनल को कैसे ढूंढेंगे? विक्रम, are you sure ये रिंग तुम्हें वहां मिली और ये उसी किडनैपर की है? Yes, आंटी, I am 100% sure. I don't know why, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो कुछ हुआ है ना वो मेरे मामा के एक्सीडेंट से रिलेटेड है। उस दिन उन्हें थोड़ा होश आया था, वो कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। बॉस, पता नहीं उन्होंने बॉस क्यों लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रही है। I don't know, कौन है ये बॉस? बॉस? किसका बॉस हो सकता है? जागृति, ये लोग जो भी है बहुत डेंजरस है। हमें ये तक नहीं पता उनका अगला मूव क्या होगा। डोंट वरी गाइस, ये मैंने सॉर्ट कर लिया है। मैं जानती हूँ ये बॉस कौन है। तो वीरेन, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम स्मार्ट हो? जागृति का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि आराधना जिंदा है। तो फिर क्या, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन गए और हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली जो हमें चाहिए थी। हाँ, और जागृति ने ही सारी इंफॉर्मेशन निकाली। एक खाली वेल की बॉटल, कुछ पेपर्स और बाकी तो ऑडियोज और क्लिप्स तो वानी के पास थी। और सबको लगा कि जागृति अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। नहीं, वो अपने दी से बात कर रही थी, आपको पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। और इतना तो हम जानते ही थे अंकल कि जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ गलती तो करोगे, और आपने करते। एक्चुअली देखा जाए तो हम आपके जाल में नहीं फंसे हैं, आप हमारे जाल में फंसे हैं। मैंने हमेशा पूरी लाइफ तुमसे नफरत की, बचपन से, जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं तब भी नफरत की। पर आज मुझे तुम पे दया आ रही है, बिकॉज मुझे तो मेरे प्यार ने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आपके प्यार ने आपको बेवकूफ बना दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। मैं गुस्से में इतना अंधा हो गया कि समझ ही नहीं पाया कि किस तरफ जा रहा हूं। मैं पैसों की लालच में ये देख ही नहीं पाया कि मैं ड्रग्स के स्कैम में जा रहा हूं। सच में ये दौलत की भूख इतनी अंधी होती है कि इंसान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर देती है। पैसों की चमक में मैं उस सही और गलत में फर्क नहीं कर पाया, लेकिन आज एहसास हुआ है मुझे तो बुरा लग रहा है। आराधना बेटा, प्रियांश तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन शायद तुम समझ पाओ। मैं मानता हूं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन मैं एक अच्छा बाप था, अपनी बेटियों से बहुत प्यार था मुझे, और शायद तुम समझ सकती हो कि एक बाप पे क्या गुजरती होगी जब वो अपनी बेटी को खो देता है। मुझे कैसा लगा होगा, मुझे तो ऐसा लगा मेरी पूरी दुनिया टूट के बिखर गई जब मैंने किमाह को खो दिया। बस बेटी को खोने की आग में मैं बदला लेने पे उतारू हो गया, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि मैं गलत था। आराधना बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं आराधना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आराधना, मुझे माफ कर दो। उठो उठो, इस तरफ। वो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा रेयांश लांबा, बस अब ये सब खेल खत्म, ड्रामेबाजी खत्म, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। किस लिए किया मैंने ये सब? सिर्फ और सिर्फ सुकून के लिए।
पहले मैंने ये सोचा कि आराधना को और तुम्हारी माँ को मार के सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, अब मुझे लग रहा है कि पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।